फिलहाल इस वक्त खेल से अलग की बड़ी खबर आ रही है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है और गोरखपुर में जिस तरह से बच्चों की मौत हुई है उस पर जवाब मांगा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रिपोर्ट यूपी सरकार को भेजा है और गोरखपुर कांड पर रिपोर्ट मांगी है। आपको बताया कि किस तरह से गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में 68 मौतें हुई थी, जिसमें से ज्यादातर मौतें बच्चों की हुई थी। उसके बाद कई तरह के सवाल उठे थे, कई तरह के कंफ्यूजन सामने आए थे। पहले ये बात सामने आई थी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये मौत हुई है, फिर सरकार ने इस बात को नकार दिया। फिर और बहुत सारे कंफ्यूजन सामने आए थे कि जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी है उसको भुगतान को लेकर बहुत सवाल उठे थे। और अब एनएचआरसी ने इस पर रिपोर्ट मांगी है, 68 लोगों की मौत हो गई थी और अब इस पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यूपी सरकार को एक नोटिस भेजा है और इस पर जवाब मांगा है कि बताइए वहां हुआ क्या था। इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार निशाने पर है इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ कल आए थे, उन्होंने दौरा किया था अस्पताल का एक एक वार्ड का और ये कहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से नोटिस यूपी सरकार को भेजा गया है। फिलहाल